हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बाजार फ्रिक्वेंसी। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व लिमिटेड की। यस दोस्तों, काफी चर्चित और काफी फॉलोड ये स्टॉक काफी फॉलो किया जाता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल की, और टेक्निकल में भी लॉन्ग टर्म बायर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बायर्स का जैसा कि आपको यहाँ वेरी क्लियरली दिख रहा है कि आरएसआई जो है वो डाउनवर्ड्स इंक्लाइन है, नीचे आ रही है, बट स्टोकास्टिक पूरी तरह से एक बार के लिए, हालांकि मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहूंगा दोस्तों, रीजन बीइंग देखिए ये एक पूरा डाउनफॉल यहाँ पर कहलाएगा। वन मंथ के चार्ट पर स्टोकास्टिक चाहे प्राइस डाउन आया हो चाहे नहीं आया हो, बट ये कहलाएगा। यहाँ पर हालांकि अभी एक स्पाइक बना है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नीचे W पैटर्न बनेगा, एक और स्पाइक नीचे की तरफ जरूर आएगा दोस्तों, चाहे वो क्रॉसओवर के बाद आए चाहे वो क्रॉसओवर से पहले आए। तो बट काफ़ी सारा इसमें डाउनफॉल ऑलरेडी है दोस्तों, जो आ चुका है पीछे लगातार 3 महीने तक। लगभग काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने देखा है खाली मार्च के अंदर उन्होंने बॉटम बनाया, फिर वापस वो ऊपर निकल गए हैं। बट बिकॉज इसका डाउन ट्रेंड चालू ही हुआ है पिछले 3 महीनों में, उससे पहले ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था, तो ये 3 महीनों तक लगातार जो है ये मई महीने में भी इसने बॉटम बनाया है और 3990 पे ये ट्रेड कर रहा था लो बॉटम तक। और अब भी मैं कहूंगा दोस्तों कि इसके अंदर दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका आपको जरूर मिलेगा, आप वेट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर देखें कि अगर इस कैंडल के टॉप से यानी लगभग जो है 5000 के नीचे भी मान लें आप, लगभग 4500 या उसके नीचे आपको जरूर यहाँ एक और मौका मिल सकता है दोस्तों। तो आपको इसमें वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच, उससे पहले आप कोई एंट्री ना लीजिए। यही चीज़ अब हम जो है यहाँ 1 वीक के चार्ट पैटर्न से इसको एक बार और कन्फर्म कर लेते हैं। तो 1 वीक के चार्ट पैटर्न में हालांकि यहाँ पर जो है अभी आप मैकडी देखेंगे तो काफ़ी दूर यहाँ पर जो है जीरो है, काफ़ी नीचे आया हुआ है और अभी एक सांस में ये इतना नहीं चढ़ सकता बिकॉज स्टोकास्टिक के पास इतनी जगह नहीं है दोस्तों। तो जैसे ही यहाँ से स्टोकास्टिक घूमेगा और घूम के वापस बॉटम रेंज में आएगा, ओवरसोल्ड रेंज में आएगा, तब आपको यहाँ पर जरूर एक डिप देखने को मिलेगा 1 वीक के मैकडी में। और आप ये मान लीजिए कि वहीं पर जो है ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी, जो कि बेशक जो है 4500 के आसपास और उससे लो भी हो सकती है, हो सकता है 3900 जो पिछला इसने लो बनाया उसके आसपास भी आपको आराम से इसमें जो है एंट्री करने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 1 डे चार्ट में और 1 वीक चार्ट में शॉर्ट टर्म बायर्स के प्रोस्पेक्ट से। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 डे का तो चार्ट है दोस्तों, वो लगभग स्टोकास्टिक यहाँ जो है वो एक बार एग्जॉस्ट हो चुका है। हालांकि आरएसआई ऐसा इंडिकेट करती है कि एक जंप और लग भी सकता है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों यहाँ पर जो है वीकली का चार्ट में मुझे बहुत कमज़ोरी नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर एक ही जो कैंडल स्टिक जो बन गई है यहाँ पर अपवर्ड टेल है सिर्फ इसकी, तो ये जो है मेरे को एक इंडिकेशन दे रही है कि वीकली अपवर्ड यहाँ पर ख़त्म हो गया है। बिकॉज वीकली यहाँ पर कमज़ोर है तो मुझे नहीं लगता 1 डे एक और स्पाइक ले पाएगा, इन केस ले भी लेता है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको इसके अंदर फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी है, आपको वेट करना है, आप वेट करिए। और 1 डे के चार्ट में स्टोकास्टिक को लगभग बॉटम के आसपास, ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ जाने दीजिए और उसके बाद ही आपको इसमें एंट्री लेनी है और फिर आपको इसमें वापस जो है मोमेंटम आएगा, आपको उसका मज़ा आएगा दोस्तों। तो आप ही को यहाँ पर वेट करना है। मे बी अगर मैं आपको एक तरीके से अगर आपको टारगेट सेट करूँ तो आप ये मान के चलिए कि 5500 यानी 5300 के लगभग या 5400 के लगभग आपको उससे पहले नहीं खरीदना है। 5400 के नीचे आने के बाद ही आपको इसमें सोचना है कि अभी फॉल जारी है या फॉल कंसोलिडेट हो रहा है, वो आप 1 आवर से देखिएगा। अभी फिलहाल 1 आवर में भी आप देखेंगे तो लगातार गिरावट बाकी है, अभी डाउन साइड आया नहीं है, जस्ट क्रॉस ओवर हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें काफ़ी गिरावट बाकी है दोस्तों। आप वेट करिए, इंतजार करिए 1 डे के फॉल होने का।
तो इसी के साथ मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 month चार्ट्स में दोस्तों लॉन्ग टर्म को जिसमें जिन लोगों को खरीदना है वो 4500 से नीचे वेट करें, 4500 से नीचे आएगा तब आप इसमें एंट्री करने के लिए ढूंढेंगे, तब भी आप डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, वन डे का चार्ट देखेंगे और वन डे के चार्ट से ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स। और जो लोग शॉर्ट टर्म बायर्स हैं उनको वन डे के स्टोकास्टिक को नीचे आना है, यानी कि 5300 5400 जब तक इसकी प्राइस नहीं आ जाती है तब तक आपको इसमें बाय करने का नहीं सोचना है दोस्तों। तो अब इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अब मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस बजाज फिनसर्व का ले लेता हूँ। और उससे पहले मैं एक बार आपको जो है यहाँ पर हमारा जो बाजार फ्रिक्वेंसी के ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पेड सर्विस कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, आप अगर किसी पोजीशन पे स्टक हैं तो आप हमसे जान सकते हैं, उस बारे में हम जरूर हमारी टीम कोशिश करेगी आपको मदद करने की। बट इसके अलावा अगर आप हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें आप 25% से 40% रिटर्न जो है 1 month से 2 month के टाइम पीरियड में इजीली विदाउट एनी डे ट्रेडिंग के आप कमा सकते हैं, तो उस केस में आपको नॉमिनल से सब्सक्रिप्शन या पेड सर्विस देनी होगी। आइए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व की दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर रहा हो, हम तब तक उसको बाय नहीं करेंगे जब तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। हालांकि बजाज फिनसर्व आप काफ़ी लोग जानते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कंसोलिडेटेड में अगर हम पीई देखें तो अभी काफ़ी महंगा हमको मिल रहा है, बट ये पीई में फ्रेंड्स लास्ट क्वार्टर आया हुआ है, लास्ट क्वार्टर में एनपीएस बहुत ज़्यादा है फिलहाल, तो इस वजह से इसकी जो एक्चुअल अर्निंग पावर है उसका कंपैरिजन इसमें नहीं आ रहा है। ये ई जो है एक्चुअल अर्निंग पावर यहाँ नहीं आ रही है बिकॉज ये ट्रेलिंग क्वार्टर्स को लेता है यहाँ पर दोस्तों, ईपीएस जो निकाल रहा है ट्रेलिंग क्वार्टर्स के लेता है, तो फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करना है इसलिए यहाँ पर व्यर्थ होगा। तो मैं डायरेक्टली आपको जो है नीचे ले चलता हूँ जहाँ पर अर्निंग कमज़ोर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखें इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली में, ये लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो है यहाँ आप देख सकते हैं 538 करोड़ रुपए ही आए हैं। रीज़न बिंग कि आपने यहाँ पर जो है बैंक ने प्रोविजन बहुत ज़्यादा इसमें करे हुए हैं। तो अब हम जो है इसके अंदर मोटा मोटी विदाउट सीधा डायरेक्ट जो है यहाँ से रिटर्न रेशियो देख लेते हैं। तो रिटर्न रेशियो अगर यहाँ देखते हैं तो 10.75 लगभग 11 10 11 के बीच 13 12 14, तो दोस्तों मैं इसको कहूँगा ठीक ठीक एक बढ़िया कंपनी इसको बोलूँगा कि बजाज फिनसर्व कहलाएगी। हालांकि इससे और भी बेहतरीन मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये HDFC बैंक है दोस्तों, तो HDFC बैंक में अगर आप यहाँ पर रेशियो देखेंगे कंसोलिडेटेड रेशो में आप यहां देखें मार्जिन रिटर्न रेशो, तो आपको देखने को मिलेगा बेटर रिटर्न्स यहां पर जो है और भी बेटर रिटर्न्स HDFC बैंक निकाल पा रही है। कोटक महिंद्रा भी लगभग लगभग यहां पर बराबर रिटर्न जो है बजाज फिनसर्व के, आई थिंक ये बजाज फिनसर्व से फिर भी थोड़ा, बजाज फिनसर्व 10-11 के आसपास है, ये 12 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है इसने। आप इंडसइंड बैंक देखिए तो इंडसइंड बैंक में भी आपको ये देखिए रेशियोज और रिटर्न रेशियो अगर आप देखेंगे तो 12 से ऊपर मेंटेन लगातार किया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि बजाज फिनसर्व रिटर्न वाइज बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन नहीं बट एवरेज जो कंपनी है उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्म ये कर रही है। मैं अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में आपको मार्जिन शो कर देता हूँ दोस्तों, तो क्वार्टरली के अंदर मार्जिन में यहाँ शो करता हूँ, टोटल इनकम यहाँ पर आ रही है इनकी लगभग 12,994 करोड़, तो 1299 लगभग 10% से ऊपर का अच्छा मार्जिन है दोस्तों, शानदार मार्जिन है। फाइनेंस सेक्टर में 12-13% मार्जिन बहुत होता है दोस्तों और ये बहुत अच्छा मार्जिन कहलाता है। आप यहाँ पर देखें लगभग आराम से 15% एवरेज मार्जिन जो है इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है, यहाँ लगभग 14% आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये एनपीएस की वजह से डाउन है और मैं इसको एनपीएस की वजह से कुछ अलग नहीं लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि एनपीए भी पार्ट है इन्हीं के सेक्टर का, कोई एक बार होने वाली चीज़ नहीं है, हर हर साल एनपीएस रहते हैं,
इसलिए यहाँ पर इस चीज को हम कंसीडर करेंगे कि ये एक्चुअल अर्निंग ही है। तो इसलिए एनुअल बेसिस पे जब हम इसको लेते हैं दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर यही कंसीडर करेंगे जो एक्चुअल फिगर है, कोई इसमें फिर बदल नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीए पार्ट ही है। अगर एनपीए यहाँ पर कंपनी कम नहीं कर पाती है तो वो कंपनी का ही फॉल्ट है। एनपीए अगर कम रेंज में रहता है तो कंपनी का ही रूटीन बिजनेस का पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, पहले शुरुआत दिनों में 2016 में बहुत ज़्यादा इनका मार्जिन था, क्योंकि बिजनेस तब इतना एक्सपेंडेड नहीं था। तो इसीलिए क्या है, 2016-17 में बहुत अच्छे मार्जिन की वजह से बजाज फिनसर्व बहुत तेज़ी से पकड़ा और उसकी एक हवा अभी तक यहाँ पर चलती आ रही है। हालांकि मार्जिन इसमें वही 10-12% का है, बहुत 25-30% का या 20% से ऊपर नहीं है दोस्तों। बट क्योंकि पीछे ऐसा रहा था तो उसका एक लगातार चलता आया। अब यहाँ पर देखेंगे आप 15 हो गया 30 से, यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग जो है 12-13 हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं 12-13 के आसपास है। फिर वापस आप यहाँ देखें तो लगभग 11 के आसपास यहाँ पर मार्जिन है। तो ये फ्रेंड्स क्वाइट अ नॉर्मल, अब क्योंकि ये थोड़ी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंपनी यहाँ पर नहीं है दोस्तों। बैलेंस शीट भी अगर हम देखें, बैलेंस शीट में आपको टोटल लायबिलिटी 2.5 लाख करोड़ के आसपास है और आप नेटवर्थ जो इसकी है वो 31,000 करोड़ प्लस ये 80 करोड़ हो गया, यानी 31,300 करोड़ आसपास है। तो 31,000 करोड़ और 2.5 लाख करोड़ यानी लगभग 8.3 टाइम्स इसकी गियरिंग है दोस्तों, 8.3 टाइम्स इसकी गियरिंग है। तो मैं कहूँगा गियरिंग भी इसकी कंफर्टेबल जोन में है, हालांकि बहुत बेहतरीन, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ मार्जिन भी बहुत बेहतरीन नहीं है, तो वैसे ही बहुत बेहतरीन गियरिंग नहीं है। बहुत बेहतरीन गियरिंग तब होती है जब ये 3.5, 3 भी, मैं आपको बंधन बैंक का शायद मुझे याद आ रहा है कि बंधन बैंक की 3 गियरिंग है। अब वो बंधन बैंक बिकॉज काफ़ी छोटी है, बट फिर भी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का बहुत अच्छा और शानदार स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बहुत शानदार है। तो कोटक महिंद्रा में 5 की गियरिंग है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 3 या 4 या 5 की गियरिंग है, इंडसइंड बैंक में भी बहुत अच्छी गियरिंग है दोस्तों। तो यहाँ गियरिंग कंफर्टेबल है, बहुत शानदार नहीं है दोस्तों। तो बहुत शानदार होती अगर इसमें 5 की गियरिंग होती, बट 8 की गियरिंग ठीक है, 10 की गियरिंग तो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एवरेज फंडामेंटली जो है ये एक एवरेज स्टॉक है और इसकी जो है पीई की प्राइस 27.3 देना। मैंने आपको शुरू में जरूर ये बोला था कि इसकी अर्निंग लास्ट क्वार्टर गलत आई हुई है, बट बाकी 3 क्वार्टर सही हैं। तो इसका एवरेज रिजल्ट यही है दोस्तों, एवरेज अर्निंग इस वक्त इसकी यही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 24 भी मान लीजिए तो ये ज़्यादा होगा, अभी की जो प्राइस है वो फंडामेंटली थोड़ी ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये प्राइस जो है 18 नहीं आ जाती, यानी आप वही ये मान के चलिए कि 18 का मतलब हो गया 30% नीचे, यानी लगभग 4500 से नीचे 4200 के आसपास, 4200 से 4500 जब तक नहीं होती तब तक हमें इसको नहीं खरीदना है। तो ये लॉन्ग टर्म के बायर्स के एस्पेक्ट से आपको मैंने फंडामेंटली बताया कि आपका वही प्राइस रेंज सही है, 4500 से बिलो ही इसको आपको खरीदना है। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। टेक्निकली भी आपको इसको 4500 के नीचे लॉन्ग टर्म बायर्स को और शॉर्ट टर्म बायर्स को 5400 से पहले इसके अंदर नहीं झांकना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ और उसे जो है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आई है अनलाइक करें, रीज़न बताएं, हम बेहतरीन कोशिश करेंगे कि हम इसको और बेहतर बना सकें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।